बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एस्पिरेंट्स टू द हॉवर्ड एकेडमी। हाउ टू प्रिपेयर सीएसएस एग्ज़ाम एट होम कंप्लीट गाइडलाइन। घर पे बैठे बिठाए आप कोई भी जो बड़े सिटी से दूर रह रहे हैं, घर में बैठकर कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए हम जो कंप्लीट गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका जो आज सेशन टू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग दी सीएसएस एग्जामिनेशन। तो आज हम सीएसएस एग्जामिनेशन जो है, सीएसएस एग्ज़ाम, इसके मुतालिक ये सिविल सर्विस जो ग्रुप्स हैं या सिविल सर्विसेज जो हैं, ये किस तरीके से एवोल्यूशन के दौर से गुजरती हुई आज जो करंट इनकी हम ग्रुप्स देखते हैं, किस तरीके से ये डिवाइडेड हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये जो सिविल सर्विसेज हैं, स्पेशली हम फोकस करेंगे सीएसएस को, तो ये किस तरीके से डेवलप हुई। द सिविल ब्यूरोक्रेसी इज़ ए कॉलोनियल लेजेसी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, ये जो कॉलोनियाँ थी जो अंग्रेज़ दौर में जो हुकूमत करते थे जिस जिस इलाके में, तो उन्होंने सिविल सर्विसेज का एक जो है तरीक़ाकार बनाया था, जिसमें वो ब्रिटिश हुक्मरान जो थे वो अपने ही लोगों को भर्ती करते थे। द ब्रिटिश यूज टू रूल द नेटिव पॉपुलेशन थ्रू इंडियन सिविल सर्विस। तो यहाँ पे हम बरसगीर की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से, ICS के नाम से उन्होंने जो है सर्विसेज में उनकी रिक्रूटमेंट होती थी, उनकी सिलेक्शन होती थी। एंड मोस्ट ऑफ़ द ऑफिसर्स इन ICS वर ब्रिटिश देमसेल्व। और ICS जब थी, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, उसमें गोरे ही खुद सर्विस कर रहे थे। इट वॉज द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 1901 ऑनवर्ड थे, दैट द इंडियन आल्सो स्टार्टेड कम्पीटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड मैनी इंडियन इवेंचुअली मेड इट टू ICS। यानी कि जो 20वीं सदी है उसके शुरू होते हुए जब होता है, तो उसके बाद ये जो हैं इंडियन, इन्होंने भी कम्पीट करना शुरू किया और इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और जो उनकी सिलेक्शन होना शुरू हुई विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जब 1947 में दोनों मुल्क अलग अलग हो गए, अंग्रेज़ छोड़ के जा रहे थे, द टर्म सिविल सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, यानी कि CSS वॉज़ यूज इन पाकिस्तान। यानी कि 1947 के बाद CSS का जो नाम पाकिस्तान में वजूद में आया, एंड द कंसेप्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विसेज कंटिन्यूड। उससे पहले जो है ये इसके साथ ही 1947 के साथ ये जो है एक नया जो CSS के नाम से आया था, लेकिन साथ में पहले जो एक कंसेप्ट था ऑल पाकिस्तान सर्विस कंटिन्यूड, ये जो पाकिस्तान के बाकी सर्विसेज में रिक्रूटमेंट हो रही थी वो भी जो कंसेप्ट था जनरली वो भी चल रहा था। द लेटर, यानी कि जो बाद वाला है, यानी कि जिसके हम बात कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान सिविल, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, तो ये कंटिन्यू रहता है। कंसिस्टेड, ये किस पे मुश्तमिल था, ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान एंड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इसमें सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉज थे, इसके अलावा पुलिस सर्विसेज में आ रहा था। वेयर एज द CSS इंक्लूडेड, जो CSS में शामिल थे या सेंट्रल सर्विसेज में शामिल थे, वो थे पाकिस्तान फॉरेन सर्विस एंड ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फाइनेंस एंड अदर सर्विसेज। इसमें फॉरेन सर्विस और फाइनेंस एंड अदर सर्विसेज शामिल थे, और जो फाइनेंस कैटेगरी थी उसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल थे, उसमें थे पाकिस्तान ऑडिट एंड पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, पाकिस्तान रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट सर्विसेज, पाकिस्तान टैक्सेशन सर्विसेज एंड द पाकिस्तान कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे थे, ये जो फाइनेंस ग्रुप में सारे शामिल थे। द मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस, ये किस में शामिल थे, ये दूसरे थे, ये बाकी जो है फाइनेंस के अलावा थे। यानी कि फाइनेंस में तो जो ऊपर हमने जिक्र किया जो रेड लाइन में है, बाकी जो है और इसके साथ और भी शामिल थे, जिसमें पोस्टल सर्विस थी, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट थी, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज थी एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस थी। ईच ऑफ दीज सर्विसेज हैड इट्स ओन कैडर, हर एक जो फील्ड थी या एरिया था उसकी अपनी एक कैडर थी, कि उनके कितने ऑफिसर्स होंगे, कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितने किस ग्रेड के लोग उस
कैडर में होंगे एंड कंपोजिशन रूल और उनकी कंपोजिशन के रूल अपने अपने थे हर कैडर के, स्पेसिफाइंग द टोटल कैडर स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ इट्स टोटल पोजीशन। तो टोटल पोजीशन कितनी थी और किस ग्रेड में कितने लोग होंगे। तो विद द सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, तो 1973 में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो जाते हैं, उसके बाद ए न्यू सिस्टम ऑफ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि एक CTP का तरीकाकार बनाया जाता है जिसमें सारे के सारे जो अफसर्स होते हैं उनको वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल ऑफ दीज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स यानी कि जो 12 के 12 ग्रुप है उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसको CTP जो पहली ट्रेनिंग होती है उसको CTP कहते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जितने भी CSS के थ्रू सिलेक्शन होती है उनको उसमें ट्रेनिंग करवाते थे। वर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दी मैंडेटरी कंबाइंड ट्रेनिंग एट सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर, जो लाहौर में उसमें ट्रेनिंग होती थी। द बैच ऑफ ऑफिसर्स हु अटेंडेड CSA 1973 इज रिकग्नाइज एज द फर्स्ट कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो पहला ग्रुप था जो अफसर्स उन्होंने ट्रेनिंग की थी उनको नाम दिया गया था फर्स्ट कॉमन। अप टिल फिफ्थ कॉमन ऑल एलोकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स वाज डन आफ्टर द कल्मिनेशन ऑफ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि 5 जो पहले ग्रुप थे उसके बाद जो अप टिल फिफ्थ कॉमन दी जो 5 पहले कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम चले थे उसमें पहले मैंडेटरी ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद जो है दूसरे उनको उनकी एलोकेशन होती थी कि किस किस कैडर में किसने जाना है, पहले सिटी में होते थे। बट फ्रॉम द सिक्स्थ कॉमन ऑनवर्ड्स, लेकिन जो 6th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके बाद दिस टास्क हैज़ आल्सो बिन अज्यूम्ड बाई दी FPSC। तो ये जो तरीक़ाकार था तकसीम करने का कि कौन किस फील्ड में जाएगा, किस सर्विस में जाएगा, ये भी 6th कॉमन से लेके ये FPSC को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इवन टिल दिस डे, आज तक हम अगर बात करें, इट इज़ एन ऑफिशियल प्रोसीजर दैट वंस द प्रोबेशनरी ऑफिसर सक्सेसफुली कंप्लीट देयर CTP देन दे अंडरगो सम फर्दर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको STP कहते हैं, यानी कि पहले CTP होती है और CTP के बाद जो जिस फील्ड का होता है जो FPSC ने उनको बताया होता है कि ये तुम्हारी फील्ड ये है, या जो उसकी नंबरों के बेस पे या जिस मेरिट के बेस पे बनते हैं, तो उनको फर्दर जो है स्पेशल जो जिस फील्ड में जाता है फाइनेंस का, तो फाइनेंस में कंटोनमेंट में जाता है तो उसकी सेक्रेटरीट में जाता है, तो उस तरह की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है इन देयर ऑन ऑक्यूपेशनल अकेडमीज। हर एक की अपनी जो है प्रोफेशनल अकेडमीज़ हैं, जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता होता है उसी को उसकी तरह की ट्रेनिंग या दी जाती है अपनी ही अकेडमी में। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें कि CSS का एग्ज़ाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू दी CSS एग्जामिनेशन। CSS एग्जामिनेशन इज़ ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC इस्लामाबाद एवरी ईयर फॉर द रिक्रूटमेंट्स टू द पोस्ट इन बेसिक पे स्केल 17, यानी कि 17 स्केल से जो सिलेक्शन होती है इनके ऑफिसर से, और ये FPSC कंडक्ट करता है। फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स अंडर फेडरल गवर्नमेंट, तो ये जो ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ इनको सर्विसेज में भेजा जाता है जिनकी सिलेक्शन होती है CSS के थ्रू, वो जो 12 कॉमन जो 12 जो हैं स्पेशल प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, इनके जो है शॉर्ट में भी है नाम एब्रिविएशन CTG। इसके अलावा दूसरा जो है पाकिस्तान कस्टम सर्विस, जो कस्टम के मुतालिक होते हैं, कॉमर्स में कॉमर्स के रिलेटेड होते हैं, कस्टम में कस्टम ड्यूटी जो होती है। इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, जो पाकिस्तान के जो जिस तरह डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर वगैरह जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं सिटीज़ में या गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं। इसके अलावा फॉरन सर्विस ग्रुप होते हैं, जो बाहर के ममालिक के साथ जितने ताल्लुकात होते हैं उनको देखभाल कर रहे होते हैं। इन लैंड रेवेन्यू सर्विसेज, जो टैक्स के साथ डील कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशनल ग्रुप, जो इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट ग्रुप, जो मिलिट्री लैंड को जो इदारा कंट्रोल कर रहा होता है जिसको कैंट कहते हैं या कंटोनमेंट कहते हैं, कंटोनमेंट में जो ऑफिसर जाते हैं उनको मिलिट्री लैंड्स या MLCG का नाम दिया गया। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है OMG। इसके अलावा पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज पास है। इसके अलावा पुलिस सर्विस है पाकिस्तान, सॉरी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान PSP। इसके अलावा पोस्टल ग्रुप है PG। और सबसे जो लास्ट पे है 12 रेलवेज़ का है, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेलवे में जाते हैं उनको ये ग्रुप अलॉट किया जाता है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के CSS जो आज राइज उल वक्त है पाकिस्तान में, तो ये किस एवोल्यूशन से आया और 1973 में रिफॉर्म्स हुए थे।
तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम ये पूरे सीएसएस के जो पूरा सिस्टम है, तरीक़ाकार है, किस तरीके से ये और सारी छोटी छोटी गाइडलाइन जितनी भी हैं बगैर किसी सवाल पूछे आपको हम प्रोवाइड करेंगे जब हमारा ये सेशन इंशाल्लाह ये 15-20 लेक्चर जो हैं या सेशन हमारे बनेंगे इस पर, तो आप थारोली इस सेशन को अटेंड करते जाएँ और एक दफ़ा आपने हफ्ता दो हफ्ते इस पर लगा लिए, एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लिया, तो आपको सीएसएस के मुतालिक सारी की सारी जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपको बेहतरीन आ जाएंगी। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये कौन से सर्विस है, फलां फलां कैटेगरी क्यों है, कैसे है। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।